हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट किया सस्पेंड हुआ। कई ऐसे टीवी स्टार्स हैं, कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो खुशी मना रहे हैं, और इनमें स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू के अलावा हंसल मेहता और टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर का नाम शामिल है, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। शमा सिकंदर की तो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। उन्होंने कहा था अच्छा ही हुआ, जो लोग किसी भी तरीके से मेंटली परेशान करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था। और इन सब के बीच जो टीवी एक्टर हैं करण पटेल, उन्होंने भी तंज कसा है और कहीं ना कहीं कंगना रनौत का मजाक उड़ाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं करण पटेल ने क्या लिखा, और उसके बाद कंगना की बहन रंगोली ने करण पटेल को कैसे लताड़ा। करण पटेल ने कंगना रनौत का एक ट्वीट शेयर कर उनका मजाक उड़ाया था। एक्टर ने लिखा था, देश ने इस महिला के जरिए बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन पैदा कर दिया है। ये करण पटेल का कहना था। और करण पटेल ने कंगना का जो ट्वीट साझा किया था उसमें कंगना ने क्या लिखा था वो भी सुन लीजिए। एक्ट्रेस ने लिखा था, हर कोई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, टन पर टन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, हम उन सभी ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति अब कैसे करेंगे जो हमने पर्यावरण से जबरदस्ती खींची है। ऐसा लगता है हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, यही इस मुसीबत की वजह है, पेड़ जरूर लगाएं। तो कंगना ने पेड़ लगाने की नसीहत दी, जिस पर करण पटेल ने उन्हें बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बता दिया। लेकिन इसका जवाब उन्हें जल्द ही मिल गया रंगोली के जरिए। रंगोली चंदेल ने अपने इंस्टाग्राम पर करण पटेल को लताड़ते हुए लिखा, और तुम सबसे नल्ले इंसान हो जो इस देश ने अभी तक पैदा किया है, जिसने प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया, जो सिर्फ धरती माँ पर एक बोझ है, कुछ आभार व्यक्त करो और अच्छा महसूस करो। रंगोली चंदेल की ये जो तल्ख टिप्पणी है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और लोग अब ये कह रहे हैं कि अब कंगना चुप हुई है तो फिर से रंगोली एक्टिव हो गई है। आप बताइए कंगना का ट्वीट, उस पर करण पटेल का रिएक्शन और उस पर रंगोली चंदेल का रिएक्शन आपको कैसा लगा?